इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में एक भक्त ने 10 करोड़ रुपए की राशि देने की पेशकश की है, जिस पर अब मंदिर प्रबंधन समिति चर्चा कर निर्णय लेगी। दरअसल कुछ दिनों पूर्व खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा परिसर में भक्त निवास, प्रवचन हॉल और अन्य विकास कार्य भक्तों के सहयोग से करवाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत बड़ी संख्या में भक्तों ने इसमें सहभागिता करने के प्रस्ताव पर प्रबंधन समिति को दिए हैं। कलेक्टर और मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनीष सिंह और मंदिर प्रशासक निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की पहल पर अकेले एक भक्त ने ही भक्त निवास और प्रवचन हाल बनाने के लिए अपनी मां की स्मृति में 10 करोड़ रुपए की राशि दान देने का लिखित प्रस्ताव मंदिर प्रबंधन समिति को दिया है। मंदिर प्रशासक प्रतिभा पाल ने बताया कि एक और भक्त ने भी इन विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि वो और भी कई भक्त भी इन विकास कार्यों के लिए सहयोग देने को तैयार हैं और जिन भक्तों ने करोड़ों रुपए की राशि देने का प्रस्ताव रखा है, उनके ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन के बीच जल्द एक MOU साइन किया जाएगा। साथ ही TNC और नगर निगम ने नक्शा स्वीकृत कर अगले 1.5 साल में यह दोनों काम पूरे कर लिए जाएंगे। विंदी किरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। कई सारे लोग जो श्रद्धालुगण हैं या जिनकी बहुत श्रद्धा है, वो समय समय पर दान और अन्य सहयोग करते रहे हैं। और इसी कड़ी में जो भक्त निवास और एक प्रवचन हॉल का निर्माण किया जाना है, वहाँ के लिए एक समिति है, ट्रस्ट है, जिन्होंने इसमें राशि दान की है और उन्होंने जवाबदारी ली है कि वो प्रवचन हॉल और भक्त निवास का जो पूरा निर्माण है वो कराएंगे। इसके संबंध में कल हम लोगों ने एक MOU रखा है जो कि संबंधित ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन समिति के बीच में होगा। इसका समय कल 5:30 बजे सिटी बस ऑफिस में रखा गया है और इसके बाद तेजी से टाउन एंड प्लानिंग और नगर निगम से नक्शा पास करा करके हम लोग इस पर काम शुरू कर देंगे। आने वाले समय में 1.5 साल का समय हम लोगों ने रखा है कि इसके निर्माण में हो और 1.5 साल बाद ये भक्त निवास और प्रवचन हॉल श्रद्धालुओं को समर्पित किए जा सके।